आज हमारा ना सिलेक्शन हो जाए हम दोनों का बस, फिर तो मजे मजे हमारे। यार उन मैम के पैसे गिर गए, चल हम उनको लौटा देते हैं। तू पागल है क्या, तू किस्मत नहीं देख रहा, दो दो गड्डी मिली है हमें एक साथ, एक तू रख ले एक मैं रख लेती हूँ। हाँ यार वैसे भी सही कह रही हूँ, कहाँ ही पता चलेगा। यदि मेरी जॉब लग गई ना तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा दूंगा आज। इतने सारे पैसे, इनसे तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, पर नहीं। मैडम मैडम ये आपके पैसे गिर गए थे उधर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू, वैसे आपके पैसे मुझे वापस करने की बजाय अपने पास भी तो रख सकते थे ना। नहीं मैडम, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ, बेईमानी पर नहीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैडम उस कंपनी में आज मेरा इंटरव्यू है। मुझे लगता है आज ये जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू मैडम। वो इंटरव्यू यही हो रहा है? इंटरव्यू तो यही हो रहा है, लेकिन तू क्यों आया है यहाँ पे? वो मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तेरे कॉन्फिडेंस की ना दाद देनी पड़ेगी सोनिया, मुझे लगता है या तो हम गलत जगह पर आ गए या फिर ये चंपू कहीं का। और तू मुंह उठा के आ गया, तेरे को जॉब देगा कौन? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो मैं किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कर लूंगा। ओहो ओवर कॉन्फिडेंस। बॉडी सॉरी तो सही बनाई हुई है तूने। तू ना एक काम कर, किसी बार वगैरह में ना बाउंसर की जॉब कर ले, लैपटॉप का काम तो तेरे से होगा नहीं। और वैसे भी ना कंप्यूटर हम जैसे एजुकेटेड लोग चलाते हैं, तेरे जैसे गवार नहीं। ना तो तेरी कोई पर्सनैलिटी है और ना ही तेरे को ड्रेसिंग सेंस है। और तूने ये हेयर कट कैसे कराया हुआ है? सोने जरूर ना इसने किसी पेड़ के नीचे अपने बाल कटाए होंगे। तू एक काम कर, ये पकड़ 500 रुपए, अपने बाल कटा लेना और तेरा आज का खर्चा भी निकल जाएगा। ये पकड़ो अपने पैसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, मैं जैसा हूं ना वैसा ही ठीक हूँ। अरे क्यों शोर मचा रहे हो, मैडम आ रही है, सीधे जाओ। कपिल इन मैम को कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? हाँ यार शायद इनको कहीं देखा है। चल खैर छोड़ हमें क्या, हम तो इंटरव्यू देने आए। अपना सीवी दो। ये लो मैडम। तुम दोनों के सीवी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन मैम इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं है ना अभी तक। मैडम अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं है। तुम्हारा इंटरव्यू ना उसी टाइम खत्म हो गया था जब तुम दोनों ने वो गिरे हुए पैसे ना अपने पास रख लिए थे और इन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए मुझे वो पैसे वापस कर दिए थे। मैडम ये आपके पैसे गिर गए थे उधर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू। कपिल ये वही लेडी है जिसके पैसे रोड पे गिर गए थे। मैम सॉरी हमने से गलती हो गई, मैं माफ कर दो प्लीज। गलती हो गई? अगर वो पैसे किसी गरीब के होते तो तुम दोनों तो उसके पैसे खा जाते, और मैं तुम्हें जॉब दे भी दूं तो तुम तो मेरी कंपनी के साथ भी यही करोगे, वहां भी तुम अपना ही फायदा देखोगे और मेरी कंपनी में तो घोटाला करके भाग जाओगे यहाँ से। तो तुम्हारे जैसे लोगों की ना मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। मैम हम ना आपके पैसे रिटर्न कर देंगे। तुम्हें ना वो पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम शायद अपने लालच में भूल गए और तुमने ध्यान नहीं दिया, वो पैसे ना तुम दोनों की तरह ही नकली हैं। तो अब चुपचाप ना निकलो यहां से। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर फूल सिंह, ये जॉब आपको मिल चुकी है। थैंक यू मैडम। आप 11 बजे आके अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाना और कल से जॉब पे आ जाना।